हेलो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन एंड इस पूरे का पावर क्या है फोर फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन टू द पावर फोर ठीक है न होल पावर इज फोर सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ठीक है सो बिफोर सॉल्विंग दिस अब यहाँ पे देखो कि अगर मेरे पास ए प्लस बी टू दी पावर क्या है फोर है ओके okay? और फिर प्लस ए माइनस बी टू पावर क्या है फोर है ठीक है यहां पे तो मैंने फोर लिया बट इन जनरल आई एम टेकिंग एन ठीक है तो इसको मैं एन कर लेता हूं ठीक है तो ओके okay, एन अब यहां पे देखो कि अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो ये क्या होगा एन सी जीरो ए टू दी पावर एन ओके एन बी की पावर जीरो तो वो नहीं होगा चलो ठीक है मैं एक लिख ही लेता हूँ यहाँ पे क्या है एन सी ज़ीरो ए टू दी पावर क्या होगा एन और बी की पावर ज़ीरो क्या होगा वो तो वो नहीं होगा फिर प्लस एन सी वन और यहाँ पे क्या होगा ए टू पावर एन माइनस वन बी ठीक है एंड सो ऑन ये तो हो गया इसका और फिर प्लस ठीक है फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एन सी ज़ीरो एन सी ज़ीरो और ए का पावर क्या होगा एन और बी का पावर जीरो तो वो नहीं होगा माइनस बी का पावर जीरो फिर क्या है कि माइनस एन सी वन ए टू दावर एन माइनस वन एन बी टू दावर वन यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया क्योंकि मैं माइनस बी टू दावर वन तो उसके चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एन सो वन ये दो टर्म लिखने से मुझे ये पता चल गया कि एन सी जीरो ए टू दी पावर एन और एन सी जीरो ए टू दावर एन ये दोनों तो नहीं कटेगा ऑफकोर्स इट विल बी एडेड ठीक है बट एनसी वन और एन सी वन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो दीज टर्म विल बी कैंसिल आउट इसका मतलब क्या है कि जो जीरो है टू है फोर है इस तरह के टर्म क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और बाकी जो वन थ्री फाइव है दीज विल बी कैंसिल आउट इसका मतलब क्या है टू टाइम्स ऑफ सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेज ओके तो ठीक है तो यहां से ये जो मेरे पास क्वेश्चन है तो अब आ जाते हैं मैं अपने क्वेश्चन पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन और इस पूरे का पावर क्या था फोर ठीक है फिर प्लस अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन और इस पूरे का पावर यहाँ पे क्या है फोर ठीक है तो नौ अब यहाँ पे इसी लॉजिक का यूज करके अपन इसको कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया टू टाइम्स ऑफ राइट तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे टू टाइम्स ऑफ और जीरो टू ये वाला टर्म ऐड होंगे राइट तो फोर सी जीरो फोर सी जीरो और यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर टू दी पावर क्या निकला फोर माइनस जीरो यानी फोर ही होगा और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन का पावर जीरो तो वन ही होता है राइट अब जीरो के बाद क्या होगा टू तो ठीक है प्लस फोर सी टू अब यहाँ पे ए स्क्वायर का पावर क्या होगा टू और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन और इसका पावर क्या होगा टू तो ये क्या हो गया फोर सी टू थ्री होगा क्या नहीं फोर होगा क्या यस तो एक टर्म और आ गया तो फोर सी फोर और यहाँ पे ए स्क्वायर का पावर क्या होगा जीरो दैट इज वन और इंटू और क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन टू पावर फोर ठीक है यहाँ तक लिख लिया फिर इक्वल्स टू टू और यहाँ से फिर हम शुरू हुए कितना होगा वन ए टू ए स्क्वायर टू पावर फोर क्या होगा फोर इंटू टू यानी ए टू पावर एट फिर प्लस फोर सी टू कितना होगा फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल तो यहाँ से कितना आ गया तो ये फोर फैक्ट्रोल कितना होगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर तो टू फैक्ट्रोल तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया अब थ्री इंटू फोर में टू से अगर हम फोर को काटें तो टू तो क्या हो यहाँ पे सिक्स तो यहाँ से फोर सी टू कितना आया सिक्स और यहाँ पे ए स्क्वायर और फिर उसका पावर टू है तो कितना हो गया ए फोर और इंटू ये रूट ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा तो रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस वन ठीक है ये आ गया फिर प्लस फोर सी फोर कितना होगा ऑफ कोर्स इट विल बी वन तो वन इंटू और ये ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन एक बार स्क्वायर किया राइट right. तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस वन और उसका पावर क्या हो जाएगा टू ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या है वन अपॉन टू तो फोर इंटू वन अपॉन टू क्या हो जाएगा टू तो डैट्स वाई इट विल बी हियर अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे तो यहाँ से क्या होगा टू इसको हमने क्या लिखा ए टू दी पावर एट और प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा सिक्स और ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर ये जुड़ जाएगा तो सिक्स कोर्स अब यहाँ पे माइनस सिक्स ए टू पावर फोर होगा और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो ए फोर ठीक है प्लस वन और माइनस टू ए स्क्वायर सो दिस विल बी देयर अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टू इन टू ए टू पावर एट फिर सिक्स वाला टर्म है क्या कहीं नहीं है तो प्लस सिक्स ए टू पावर सिक्स फिर फोर वाला है क्या या यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव ए टू दावर फोर और फिर माइनस टू ए स्क्वायर एंड प्लस वन ठीक है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा तो दिस विल बी दी आंसर कोर्स सो ओके दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स